मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और 11 दिसंबर को चुनावी परिणाम आना बाकी है, पर इससे पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने राजधानी भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और लगभग 140 सीटें कांग्रेस को मिलने का दावा किया। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि चुनाव के बाद अभी भी कोई भाजपा के बड़े नेता मेरे संपर्क में हैं। वहीं दूसरी ओर कमलनाथ ने यह भी कहा कि कई चैनल वाले मुझसे बोलते हैं कि आपकी सरकार बन रही है। लगातार 28 तारीख से बैठे हैं स्ट्रांग रूम के बाद, इसे क्या कहा जाए जबकि बीजेपी वाले देखिए ये जो भी प्रशासन में होती है, जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी होती है उस पर शक होता है, क्योंकि ये बहुत बौखलाए हुए मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे तो मेरे से संपर्क में हैं चुनाव के बाद भी। हाँ कईयों की चिंता है कि मेरा मुझे जो मकान मिला हुआ है क्या ये तो रहेगा। देखिए ये उसने अपने निजी रूप से किया। अरुण जेटली किन किन के वकील रहे मुझे बताइए, अरुण जेटली खुद ही ऐलान कर दे कि किन किन के वकील रहे, राम जेठमलानी खुद ही ऐलान कर दे किसके वकील रहे। देखिए इनको यही मिला है, यही कहने लायक मिला है। ये मैंने कहा इसकी आप चिंता मत करिए, आप तो प्रदेश की चिंता करिए। हंग असेंबली 140 से ज्यादा मिल रही है। देखिए ये राहुल जी क्या करेंगे कि हम, मैं ये बात बता दूं, मेरे से अभी आधा घंटा पहले ये भी बात बता दूं, पर मैं आप कैमरा बंद कर दीजिए, मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों की भी पोल खोलूंगा सर, खुद अपना कैमरा ताकि आपको एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़े। जिनका आपके चैनल में ही ये कल आएंगे और उन्होंने मुझे कहा बधाई, किस बात की बधाई, कहते मध्य प्रदेश तो आप जीत रहे हैं पर आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी बड़ी अच्छी तरह जीत रहे हैं, ये उन्होंने मुझे कहा, ये कल टीवी चैनल में आएंगे। हाँ आप देखिएगा और आप समझ जाएंगे किन किन ने मुझे फ़ोन किया। नहीं नहीं रिकॉर्ड हो जाए क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ। थैंक यू।